और अभी आपको बताएं कि पंजाब असेंबली की तहलील का मामला, जराए बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने असेंबलियों की फौरी तहलील की मुखालफत कर दी है। मुनिस इलाही और काफ लीग पार्लिमानी पार्टी भी तहलील करने के मुखालिफ हैं। परवेज़ इलाही आज इमरान खान से मुलाकात पर उन्हें अपनी हतमी राय से आगाह करेंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खसूसी आसिम नसीर से। जी आसिम, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से आज इमरान खान का हतमी ऐलान मतवक्को है, और उससे कबल ही गुज़िश्ता रोज चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मुनस इलाही की तरफ से जो है काफी ज्यादा इस हवाले से मुशावरत की गई थी। और जराए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग कायद आजम जो है उनकी पार्लिमानी पार्टी, जिसमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और दीगर नौ अरकीन पंजाब असेंबली है, उन्होंने पंजाब असेंबली की फौरी तहलील पर ना सिर्फ मुखालफत की है बल्कि इस मौके पर चौधरी मुनस इलाही वो भी फौरी तहलील के मामले पर अपने मौकफ से पीछे दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने भी उसकी हमायत की है। और जरा ये बता रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही वो अब से कुछ देर के बाद इमरान खान से जमान पार्क में मुलाकात करेंगे और अपनी हतमी राय और अपनी पार्टी की राय के हवाले से आगाह करेंगे। इमरान खान को गुज़िश्ता रात जरा ये बता रहे हैं कि चौधरी मुनस इलाही और उनके रुफका कान में जो परवेज इलाही का जो फौरी असम्बली की तहलील का जो पैगाम था वो गुज़िश्ता रात ही पहुँचा दिया था, और अब वज़ीर आला पंजाब खुद इमरान खान के साथ जाएंगे, जिसके बाद आइंदा के जो लाए अमल है उसका ऐलान करेंगे। अब ये देख रहे हैं कि क्या इमरान खान इस मौकफ को तस्लीम करते हैं या नहीं करते। इस हवाले से ज़राए काफली के यही बता रहे हैं कि ये फैसला इमरान खान ने करना है। ताहम काफली के ज़राए ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान की जानिब से असम्बलियों की अगर तहलील का ऐलान किया जाएगा तो पीडीएम के साथ जाने का कवी इम्कान है। ठीक है, अपडेट करने के लिए।